guys, welcome to Rinky's Angelican. We are back with tarot readings for November. सबसे पहले आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं. A very very happy Diwali to all of you guys. और I hope you guys have like a great Diwali. और जैसे हम करते हैं इस महीने तीन tarot cards और जो डेक हम यूज कर रहे हैं वो है सरेंडर कार्ड्स. तो इस महीने का डेक है सरेंडर कार्ड्स. ये बता रहे हैं आपको कि कौन सी चीज से आपको अपने आप का अटैचमेंट निकालना है, अपने आप से जो एक मोह बोलते हैं वो निकालना है, उसको लेट गो करना है. बेसिकली कौन सी चीज को आपको लेट गो करना है, कौन सा इमोशन है, कौन सा एनीथिंग बेसिकली दैट कार्ड्स वांट टू टेल यू. सो यस, वी आर यूजिंग सरेंडर कार्ड्स दिस मंथ. एंड लाइक ऑलवेज हम 12 साइन के वीडियोस हैं, आप अपनी साइन चेक कर लीजिए. एंड also please make sure you subscribe to the channel and click that bell icon so every time I post a video you get notified for it. Thank you so much. And we move on to Gemini, yani ki Mithun Rashi. Main aap logon ke liye teen tarot cards pull out kar rahi hu aur ek surrender card. To dekhte hain is mahine tarot aur angels aapko kya bata rahe hain. जो पहला कार्ड है वो है क्वीन ऑफ सॉल्ट्स. क्वीन ऑफ सॉल्ट्स बता रहा है कि आपने स्टेप ले लिया है, आपके एंड से जो भी करना था, जितनी चीजें थी आपने पुट फॉरवर्ड कर दिए है कि ये चीजें हैं. अब आप वेट कर रहे हो कि सामने वाला उस पर रिस्पॉन्ड करे, सामने वाला उस पर रिप्लाई करे, बट वो रिस्पॉन्स या रिप्लाई आपको नहीं मिल पा रहा है जहां आप बहुत ज्यादा अटके हुए फील कर रहे हो. बट टैरो कार्ड्स के अकॉर्डिंगली आप इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते. जितना आपसे बन पड़ता था आपने कर दिया है. फॉर नाउ इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टैंड ऑन टू योर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट. यानी कि अपने आप से बढ़कर किसी को वैल्यू मत दीजिए. इट्स जस्ट समथिंग दैट यू विल डिनाई एट द लेटर स्टेज ऑफ लाइफ. तो अभी जैसे कहते हैं ना, बस गर्मा गर्मी में आप सब कुछ भूल के, अपने आप को भी भूल के आगे बढ़ रहे हो. बट नहीं, कार्ड्स आपको बता रहे हैं डोंट डू दैट. इट्स टाइम, यू डन अ लॉट, यू गिवन एवरीथिंग दैट्स रिक्वायर्ड. अब अपने आप के लिए खड़े होइए, अपने आप के लिए एक स्टैंड लीजिए. वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एट दिस पॉइंट इन टाइम. सेकेंड कार्ड है कार्ड ऑफ वांड्स. बेसिकली ये कार्ड बता रहा है जैसे अब हमने एक डिस्कस किया सिचुएशन, तो वो सिचुएशन के बारे में ही ये डिस्कस कर रहा है कि अगर आप कोई चीज की रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हो तो इस महीने टैरो कार्ड आपको एक ब्राइट सिग्नल दे रहे हैं, एक पॉजिटिविटी दे रहे हैं. जैसे रिजल्ट्स आपके सामने आ जाएंगी, रिजल्ट्स पॉजिटिव आएंगी और रिजल्ट्स काफी जल्दी आएगी. तो ये महीने जो भी अटकी हुई चीजें हैं जिनका आप रिटर्न या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो, दिस इज अ गुड मंथ फॉर यू. द लास्ट कार्ड दैट वी हैव इज पेज ऑफ कप्स. पेज ऑफ कप्स बता रहा है कि आपके आगे हमेशा एक अपॉर्चुनिटी का डोर ओपन ही होता है. आपके सराउंडिंग्स जो लोग हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं और वो आपके लिए बहुत अच्छा फील करते हैं. कहीं भी कोई भी चीज़ की आपको ज़रूरत होती है तो लोग आके खड़े हो जाते हैं कि आपको क्या मदद चाहिए, हम करेंगे. तो सराउंडिंग्स में जितने लोग हैं वो आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे, आपके लिए कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी, आगे बढ़ने का रास्ता. आपके अराउंड जो लोग हैं वो हमेशा आपको एक एडवाइस देंगे और वो एडवाइस बहुत अच्छी है आपके लिए. अब जो सरेंडर कार्ड है, सरेंडर योर फियर टू इंटीमेसी. बेसिकली कार्ड बता रहे हैं कि अगर आप कोई रिलेशनशिप में हो या कुछ है, एक जो इंटीमेसी का आपको डर बैठा हुआ है अंदर कि नहीं शायद कैसे होगा क्या होगा, बट कार्ड्स बोल रहे हैं अब जो भी फियर्स है इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप वो फियर रिलीज कीजिए. जो घबराहट है, जो डर है, आप जो बहुत ज्यादा थॉट्स दे रहे हो कि अगर ये ऐसे हो गया, अगर वो वैसे हो गया, नहीं. तो रिलेशनशिप को लेके कोई भी फियर्स अगर आप होल्ड कर रहे हो, इस महीने आपको वो फियर्स को रिलीज करना है, सरेंडर करना है, तो आपके रिलेशनशिप में ब्लूम होगा, रिलेशनशिप डेफिनेटली ग्रो करेगा. तो ये थी आपकी रीडिंग्स नवंबर के लिए. आई होप आपको ये पसंद आए और आपको बहुत ज़्यादा इससे मदद मिले लाइफ में, जो भी जहाँ पर भी आप अटके हो उसमें थोड़ा आपको आगे बढ़ने की एक होप मिले. दैट्स अबाउट इट. स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड फॉर माई अपकमिंग वीडियोज. थैंक यू.